नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कनिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के चंदन नगर कॉलोनी में उस समय हड़कंप मच गया जब 15 वर्षीय छात्रा ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतिका 8वीं कक्षा की छात्रा थी। मृतकों के परिजनों का आरोप था कि छोटू नामक युवक छात्रा को परेशान करता था, जिससे परेशान होकर छात्रा ने यह कदम उठाया है। पुलिस को घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और तहरीर के आधार पर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। थाना सिविल लाइंस में जिला अस्पताल से थाने को सूचना आई थी कि एक 16 वर्ष की लड़की है जिसने संभवतः सुसाइड किया है। इस सूचना पर पुलिस वहां पे गई और लाश को अपने कब्जे में लिया है और उस पर पोस्टमार्टम की भी कार्रवाई कराई जा रही है। पोस्टमार्टम के बाद ही ये चीज़ें क्लियर होंगी कि क्या वजह रही है और किस तरीके से मृत्यु हुई है। प्रथम दृष्टया मामला सुसाइड का ही लग रहा है और संभवतः प्रेम प्रसंग को लेके ये कारित किया गया है। किसी सब कोई लड़के से भी बता रहे हैं कि परेशान थी, कोई छिड़कानी करता था। इस तरह की चीज़ अभी तक कोई प्रकाश में नहीं आई है। जब तक कि कोई तहरीर इस चीज़ में अभी तक थाने को भी नहीं मिली है, उसके बाद ही ये जांच से ये पता लगेगा कि क्या मामला था पूरी तरीके से, जब इसकी तहकीकात की जाएगी। इसमें किसी की गिरफ्तारी हुई सर? अभी तक कोई तहरीर नहीं मिली है, तो कोई गिरफ्तारी वगैरह किसी का भी कुछ अभी किया नहीं गया है। इसमें तहरीर मिलने के बाद ही इसमें कोई कार्रवाई की जाएगी। ठीक है।